ये इन्होंने आनंद जी का अपना गोडाउन है, यहाँ पर इनका पत्थर का काम है। तो ये देखो ये सारे पत्थर पर भी इतनी अच्छी लगी है और काम अच्छा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो उन्होंने अच्छे रिस्पॉन्स का, ये शेड है देखो, ये कैनोपी बनाई है, ये पूरा ग्रे कलर का शीट है पूरी, इसमें ये फाउंडेशन है। यहाँ पर शेड बनने से के बाद हम फिर ये स्ट्रक्चर तैयार करते हैं यहाँ पर। ये देखो ये एरिया है इधर से, और ये शेड अच्छा बड़ा है, शेड है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है तकरीबन 130 बाई 250 का शेड है, ठीक है जी। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा ऊपर भी लगाएं एक बार फोक्स, ये इन्होंने भी लाइटिंग भी लगाई हुई है। यहाँ से हर 18 फिट पे कॉलम होता है, यहाँ से इधर की दूरी पर 18 फिट की दूरी होती है इसकी, ठीक है जी। पे छत पे, छत पे ये जो छत की जो पर्लिंग है, हर 4.5 फुट पर हम पर्लिंग लगाते हैं, कि जो हम उस पे जिस पे हम सीट सीटिंग कर दें जिसमें, ठीक है जी। ये अपना साइड पर्लिंग है, साइड व्यू है इधर से देखो, ये सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर जो शेड बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा शेड बना है यहाँ पर, उसके अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। ये इनका भी अच्छा, क्या रिस्पॉन्स राम ने जब भी शेड बनाया, आपको कैसा लगा ये शेड बनाने का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई इसके लिए व्यू डालोगे आप? नहीं नहीं सही है, ओके शेड है ना। इनके यानी कि इनके जो मालिक है वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके उसमें उन्होंने हमें कम से कम 5 से 6 शेडें दी हैं, बड़ी बड़ी शेडें सारी। और उनका एक शेड और बनना है धारवाड़ा में, राजस्थान में, तो एक बार सीधे मालिक के पास चलते हैं अभी। अगर ये ओपी मार्बल के ओनर हैं, एज ए ओनर मिस्टर आनंद जी, एक बार ये भी बताएंगे इसके शेड में उनको कैसा लगा, उनके उसमें इन्होंने कितना रिस्पॉन्स दिया हमें, और काफ़ी शेडें भी दी हैं, तो एक बार सीधे इनके पास चलते हैं। हाँ जी नमस्कार, नूर ने जो हमारे यहाँ शेड का काम किया है बहुत अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात, जो कारीगर हैं वो बहुत प्रोफेशनल है, उनको पता है कि इंडस्ट्रियल शेड कैसे बनता है, मतलब प्रॉपर, मतलब गुनिया लेकर, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल शेड बनते हैं ना उस स्टाइल से बनाया है। तो मैं तो 2 साल पहले बनवाया था, बहुत अच्छा लगा, और मेरा देखकर मेरे ख्याल में इसने 5 मार्बल के ट्रेडर के और लोहे के सेट बनाए हैं, मतलब उनको भी अच्छा लगा। आप खुद देखोगे पिक्चर में कितनी एक्यूरेसी और कितनी क्लियरिटी है, तो मतलब मैं क्या क्या बताऊं, वो तो आप खुद आकर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। ये जो आप सेट देख पा रहे हो, ये फ्रंट इसकी कैनोपीज़ है, इसका फ्रंट पूरा खुला हुआ है, आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखो आप। और जो ऊपर लगा हुआ कॉर्नर्स हैं, और खड़ी सीट देख पा रहे हो आप, ये सामने खड़ी सीट है इसका, ये हम फ्रंट दिखा रहे हैं आपको, ये फ्रंट व्यू है, देखो ध्यान से। ये तकरीबन 12 फिट की खड़ी सीट है, उसके नीचे पिलर्स दिख रहे हैं आपको। हाँ, ये पूरा मार्बल मार्केट में बना हुआ है सेट ये, ठीक है ना। ये आपको हटाना है नाम, ये बाद में। हाँ जी, ये देखो, ये एज ए पूरा का पूरा मार्बल का पूरा प्लांट है, मार्बल बना इसमें सेल करते हैं, स्टॉक रखते हैं अपने, यहीं से सेल आउट भी होता है और स्टॉक भी रखते हैं मार्बल मार्केट में अपना। हाँ जी, ये अब अंदर का व्यू देख पा रहे हो आप, अंदर आ गए हम, ये अंदर आ रहे हैं आराम आराम से। हाईलाइट भी है, और ये जो है आपकी, ये देख पा रही हो, ये पर्लिंग्स 4-4 साढ़े 4 साढ़े 4 फिट पे है, और वो सामने फ्रंट देख पा रहे हो आप, सीट खड़ी सीट है पूरी। हाँ जी, ये खड़ी सीट आप देख पा रहे हो, पूरी फ्रंट व्यू है। ये अंदर का हिस्सा जो दिखाया, ये ट्रस्टे हैं, कैची जिसको बोलते हैं, हम हिंदी में कैची बोलते हैं, ट्रस्टे हैं ये ट्रस्टे हैं। तो एक बार इसको भी देखो, ये पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको।
हाँ जी, ये बलियावा शाखा HDFC बैंक के पास में बना है सर। और ये पर्लिंग्स वगैरह हैं, ये पिलर ऊपर प्लेट लगती है टॉप पे, रूफ टॉप पे। ये इसके अंदर जो लाइटें दिख रही हैं आपको, ये लाइट है। और वो जो ये साइड हमने तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, और इसके रेफरेंस से हमने और भी कई साइड बनाए हैं, तो इसका भी अच्छा रेफरेंस था। तो ये गुरुग्राम में है, आप अगर आपको